हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज हम आए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कालिंदी स्कूल्स। तो आज हम आपको पूरा विद्यालय दिखाएंगे, तो आप हमारे व्लॉग में बने रहिएगा और अंत तक इस व्लॉग को देखिएगा और एंजॉय करिएगा। भूतपूर्व छात्र मिलन समारोह आज रखा गया है। तो हर साल ये समारोह रखा जाता है, प्रोग्राम किया जाता है अच्छा से, और हर साल सीनियर भैया और जूनियर हमारे सहपाठी आते हैं। तो आज भी रखा गया है, तो चलिए अंदर से हम दिखाते कैसा क्या प्रोग्राम रहता है और पूरा स्कूल का विजिट करवाएंगे। तो हमारे व्लॉग में बने रहिए। इस शिक्षा के मंदिर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। यहाँ पर बिताए हुआ हर पल याद आता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने ही गर्ल्स हॉस्टल है, सीनियर और जूनियर दोनों आपको दिख रहे हैं। इस विद्यालय के प्रांगण में पक्की सड़कें भी बनी हुई है सामने। मैं आपको मैप दिखाता हूँ, पास जाके देखिए स्कूल का। तो इस मैप के माध्यम से आप पूरे स्कूल का विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत ही प्यारा स्कूल देखने को मिल जाता है इस मैप में भी, और इसका जब आनंद आप पूरे इस विद्यालय में घूमेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा और अच्छा लगेगा। एक बार जरूर आइए और विजिट करिए। तो आपको सामने ही गार्ड का रूम भी देखने को मिल जाता है। गार्ड के माध्यम से यहाँ पे जितने भी गार्जियन वगैरह अपने बच्चों को मिलने आते हैं या सीनियर भैया पुराने यहाँ से पढ़ के गए वो आते हैं, तो यहाँ पे एंट्री की जाती है और एंट्री करने के बाद इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। इस खेल मैदान से सभी विद्यार्थियों की पुरानी यादें जुड़ी हुई है और यहाँ पे वो क्रिकेट खेलना, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल। कितने आए हैं सीनियर, और प्यारी बच्चियों के द्वारा तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है इस विद्यालय में। तो चलिए अंदर से हम दिखाते पूरा प्रोग्राम। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए और अंत तक इस ब्लॉग को देखिए, एंजॉय करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ढेरों सारा छोटे भाई को प्यार दीजिएगा। इस विद्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए गाना हम गुनगुनाते थे और इसी गाने के साथ हम आवेदन बढ़ती थी। मंचासीन हमारे स्काउट के, सभी आगंतुक महानुभावों का मैं तहे दिल से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एलुमनाई एसोसिएशन की स्थापना करने का मेन मकसद हमारा यही है कि आपके अनुभवों को साझा कर इस पल्लवित और पुष्पित होने वाली हमारी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को तैयार करें। आपका सहयोग हमें बार बार मिलता रहा है और मिलता भी रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मंचा से प्रिंट करवाना है तो आपका सहयोग अपेक्षित है। इनमें
सीनियरिटी के हिसाब से या उच्च पदासीन के हिसाब से हमें बनाना है, तो आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। दूसरा, इस बार जो है हमारे नवोदय विद्यालय कालंद्री के इतिहास में पहली बार आईएएस में चयन हुआ है, आप तालियां बजाकर उनका अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करें। दूसरी खुशी की बात है कि हमारे भूतपूर्व एलुमनाई थे वो भी आरएस में सिलेक्शन हुए हैं, उनके लिए भी तालियां बहुत हर्ष और गौरव का विषय है कि पहली बार हमारे नवोदय विद्यालय के कालंद्री के इतिहास में ये मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। और एक गणेश चौधरी जिनका आप मुखातिब हो चुके हैं, उनका लेफ्टिनेंट में सिलेक्शन हुआ है एसएसबी के थ्रू, तो हमारे यहाँ जितने भी मील के पत्थर उनका अनुभव हमें साझा करने के लिए आपका यहाँ हर समय हमारा नवोदय विद्यालय परिवार स्वागत करता है। आज के अनुभव से हम लाभान्वित होंगे, हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे और हमारे कालंद्री नवोदय का। And call upon the stage the students from class 7 for a beautiful dance performance. Please welcome Bhumika and group. स्मार्ट क्लास है ये, यहाँ से 6B, 6A और आगे की 7A, 7B ऐसे क्लासेस आगे की ओर बढ़ती है। और 8 तक यहाँ है लास्ट क्लासेस, आगे दिखाते आपको ना। फिजिक्स लैब प्यारी प्यारी बनाई गई है, देखिए आपके सामने। बाकी हर बच्चे हर एक्टिविटी में टैलेंटेड होते हैं, खेल में देख लो, डांस में देख लो, पेंटिंग में देख लो, संगीत में देख लो और पढ़ाई में भी देख लो, तो बच्चे हुनरबाज होते हैं। अब हर क्लास के बाद आपको सुविचार के बोर्ड देखने को मिल जाते हैं, मैं 11th आर्ट्स क्लास आपको अंदर से दिखाता हूं। ये देखिए ये 11th आर्ट्स क्लास है, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप किस सर को मिस करें वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा। कक्षा से बाहर निकलते ही आपको 11th साइंस क्लास देखने को मिल जाती है, पास में ही 12th आर्ट्स क्लास देखने को मिल जाती है और उसके आगे फिर आपको 12th साइंस क्लास भी देखने को मिल जाती है। 12th आर्ट्स कक्षा में प्रवेश करते ही वो पुराने दिन याद आते हैं और हम इस लास्ट बेंच पे बैठा करते थे। मैं पास जाके आपको दिखाता हूँ, ये वाला बेंच हमारा था, इस बेंच पे हम अधिकतर बैठा करते थे। कभी कभार हम खिड़की की तरफ से तीसरे बेंच पे बैठा करते थे। और आज भी मैं अपने दोस्तों को याद करता हूँ, आज भी मिस करता हूँ बहुत ज्यादा। और अगर आप अपने दोस्तों को मिस करते हैं तो उस दोस्त का जरूर नाम लिखे कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस दोस्त को मिस करते हैं। तो आपको अंदर से 12th साइंस क्लास दिखाते हैं, ये है 12th साइंस क्लास, कैसी लगी अंदर से कमेंट करके जरूर बताएं।
प्राचार्य रूम और कार्यालय ऑफिस आपको देखने को मिल जाता है। तस्वीरें लगी हुई है सामने, ये बैच है जिन जो पास आउट हुए जिनके परसेंटेज बने, ये बैच है यहाँ पे 10th क्लास वाला और ये 12th क्लास साइंस आर्ट्स दोनों है लगे हुए। और ये जूनियर सिस्टर है, क्या नाम है आपका? पूजा। कौन सी क्लास में हो? 12th। सब्जेक्ट बायो? आपका नाम? अनुप्रिया। बायो सब्जेक्ट आपका? बायो। बिल्कुल बढ़िया। पढ़ाई कैसे अच्छी चल रही है? बढ़िया है। लगे रहो ना कि ये टाइम टेबल लगा हुआ है यहाँ पे। अब अटेंडेंस में कुछ फर्क है, पहले तो यहाँ नहीं लिखा हुआ था बोर्ड, अब ये जैसे हाउस वाइज भी है, जैसे अरावली, नीलगिरी, शिवालिक, उदयगिरी है ना, ये गर्ल्स का भी है और ये क्लास वाइज अटेंडेंस है, ठीक है ना। यानी ये मॉर्निंग में लगती थी पूरी अटेंडेंस, ये पूरे दिन की अटेंडेंस है। म्यूजियम वगैरह? हाँ म्यूजियम कहाँ है? ये म्यूजियम है, हाँ ये बनाया है, ये छोटा सा बहुत प्यारा है, इस साइड भी है ना हुआ है, ये बहुत ही प्यारा है। गेम्स के लिए बच्चों के लिए, ये गेम्स के लिए बच्चों के लिए, बैट वगैरह पड़े हैं, ईट वगैरह पड़ी है, जिसको चाहिए ले सकता है।
बाकी आपको हर जगह टाइल्स लगी हुई देखने को मिल जाती है बाथरूम की तरफ, लाइटें वगैरह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लगी हुई है और गीजर भी लगा हुआ आपको देखने को मिल जाता है। हमारे समय तो गीजर नहीं था। बाकी आपको बाथरूम दिखाता हूं, बाथरूम बहुत व्यवस्थित तरीके से बने हुए हैं, मतलब गेट वगैरह सब व्यवस्थित है, साफ सफाई हमेशा चलती है। तो यहाँ पे हम हाथ धोया करते थे, बाकी बाथरूम बहुत व्यवस्थित तरीके से देखने को मिल जाते हैं आपको। पीछे हम कपड़े धोया करते थे, मैं बताता हूँ आपको, पीछे छुट्टी के दिन हम पीछे ही टंकी के ऊपर या कपड़े धोया करते थे और वो दिन हमारे यादगार थे, आज भी हमें वो दिन याद आते हैं। ये शर्ट हमारे समय भी चलता था और आज भी ये शर्ट चल रहा है, बहुत ही प्यारा शर्ट है। ए छोटे भाइयों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। अरे इसमें अरावली, नीलगिरी और उदयगिरी तीनों के शामिल है, चारों शामिल है मुझे लगता है, शिवालिक के भी होंगे। बाकी कैसा लग रहा है आपको इस विद्यालय में? कितने साल हो गए आपको? सात साल। नहीं, सात साल तो अभी होने यार। हाँ, किसी किसी के साथ आपके साथ ही साथ चल रही है। बढ़िया, मतलब सब ट्वेल्थ क्लास के हो, सीनियर हो मोस्ट। किसी छोटे बच्चे को परेशान तो नहीं करते? नहीं नहीं, बढ़िया। हाँ, दोस्तों भी चलता है। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया है। मन होता है घर जाने का? कभी कभार तो होता होगा ना मन के घर जाए। अब ऐसे तीन महीने के बाद तो आपके एग्जाम हो जाएंगे, बोर्ड की तैयारी कैसे चल रही है ये बता पहले तो। खतरनाक चल रही है?